गुड मॉर्निंग बच्चों, आज अपन बात कर रहे हैं क्लास फर्स्ट के चैप्टर की, इंग्लिश ग्रामर का जो चैप्टर है क्लास फर्स्ट का। इससे पहले अपने दो चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आज चैप्टर है थर्ड, यूज ऑफ ए एंड एन। यूज ऑफ ए एंड एन, अपने को ए और एन का यूज करना है। ए और एन दोनों का ही मीन होता है वन। क्या होता है? वन, ठीक है। बट इन दोनों का यूजिंग है या राइटिंग यूजिंग है वो डिफर होता है अकॉर्डिंग टू दियर कंडीशंस, या अलग अलग होता है, ठीक है। तो अपन बात करेंगे एन अपन कब यूज कर सकते हैं, एन कब यूज करेंगे। तो एन इज यूज बिफोर द वर्ड दैट बिगनिंग विद ए वावल्स। जब भी कोई वर्ड जिसका फर्स्ट लेटर वोवल होगा, फर्स्ट लेटर क्या होगा? वोवल होगा, तो उससे पहले अपन एन को यूज करेंगे। वोवल्स अपने कौन कौन से हैं? ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, टोटल फाइव वोवल्स हैं, ठीक है। जिन भी वर्ड मीनिंग में बिगनिंग अगर इन लेटर से हो रहा है, वोवल्स से हो रहा है, उनसे पहले अपन एन का यूज करेंगे। यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं, कुछ एग्जाम्पल्स अपने पास हैं, जैसे एप्पल, ईगल, आइसक्रीम, ऑरेंज एंड एम्ब्रेला। तो एप्पल में फर्स्ट बिगनिंग लेटर ए है, तो इससे पहले अपन क्या लिख सकते हैं? एन। क्या लिख सकते हैं? एन। ऐसे ही ईगल, ईगल का जो फर्स्ट लेटर है ई, इसमें एन अपन लगा सकते हैं। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन, इसमें देखिए एग्जाम्पल आइसक्रीम, आइसक्रीम का फर्स्ट लेटर आई है, देन वी राइट हियर एन। ऑरेंज ओ, देन वी हैव टू राइट एन। अम्ब्रेला यू, फर्स्ट लेटर यू, देन वी हैव आल्सो राइट एन। ओके, नेक्स्ट ए, ए का यूज कब होगा, ए का कब यूज करते हैं थिंग्स से पहले? तो देखिए ए इज यूज बिफोर द वर्ड दैट बिगनिंग विथ ए कॉन्सोनेंट। एन तो कब यूज करेंगे? जब वोवल से स्टार्ट हो रहा है। और ए कब यूज करेंगे? जब कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है। दोनों का मतलब एक ही होता है, वन होता है, समझ रहे हो? एक एप्पल है, वन एप्पल है, एक ईगल है, ठीक है। लेकिन दोनों में ही अपन वोवल्स और कॉन्सोनेंट के अकॉर्डिंग ए और एन का यूज करते हैं। ऐसे ही देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स अपने गिवन है। ये देखिए आपके सामने क्या है, ट्रेन, ट्रेन दिख रहा है, टी आर ए आई एन, ट्रेन। तो फर्स्ट बिगनिंग लेटर क्या है इसमें? टी। इससे पहले अपने ने क्या राइट करें? ए। ऐसे लैम में फर्स्ट लेटर एल, देन वी हैव टू राइट हियर ए। नेक्स्ट गिफ्ट, देखा है क्रिसमस पे गिफ्ट करता है ना सांता, देन जी। जी जो फर्स्ट लेटर कैसा है? कॉन्सोनेंट, वोवल तो नहीं है ना, तो कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे अपने को ए राइट करना है। ऐसे ही बगेट, बगेट के अंदर बी, देन वी हैव टू राइट हियर ए। और कैमल, कैमल से पहले जो बिगनिंग जो लेटर है वो सी है, तो यहाँ पे अपन ए इसको राइट कर सकते हैं। ऐसे ही अपन कुछ एक्सरसाइज, इसके बाद में एक्सरसाइज का डिस्कस करते हैं। इसमें कौन कौन से वर्क ड्रिल, तो यहाँ पे अपने को क्या करना है? टिक और क्रॉस, द करेक्ट ऑन करेक्ट और रॉन्ग यूजिंग ऑफ ए एंड एन आर्टिकल। तो अपन ने ये दोनों ऊपर जो क्वेश्चन है इनमें अपने एन, एन और ए का यूज कर लिया है। तो यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग वर्ड्स लिखे हुए हैं, जिसमें अगर ए और एन सही लगा हुआ है वहां पे तो अपने को क्या करना है? चेक मार्क लगाना है। अगर रॉन्ग इसमें ए और एन यूज किया हुआ है तो उसके सामने अपने को क्रॉस लगाना है। तो देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट में, ए के क्वेश्चन फर्स्ट में देखिए, ए आवल, तो फर्स्ट लेटर क्या हो गया? ओ। इट मींस ओ कैसा है? वावल। तो वावल में तो एन आएगा, इट मींस यहाँ पे क्या है? ए लगाया है, इट्स रॉन्ग। सेकंड में देखिए, ए रैबिट, तो फर्स्ट लेटर क्या हो गया इसमें? आर। तो ए यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के लिए ए ही राइट किया
जाएगा। आर क्या है? कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन? ए राइट करेंगे। ऐसे ही थर्ड वाला देखो, आयरन। आई कैसा हो गया? एन, आयरन। आयरन है तो फर्स्ट लेटर आई। आई क्या है? वोवल। और वोवल से पहले अपन क्या लिखेंगे? एन। तो ये करेक्ट है। क्या है? करेक्ट। फिर देखिए नेक्स्ट फोर्थ पे एन, याक। याक में फर्स्ट लेटर कैसा है? कॉन्सोनेंट है ना, जबकि यहाँ पे अपन ने क्या यूज कर लिया? एन। तो ये क्या है? रॉन्ग। फिफ्थ में देखिए ए वॉच, डब्ल्यू कैसा है? कॉन्सोनेंट, देन राइट। कॉन्सोनेंट से पहले ए राइट किया जाता है, राइट है। इसके बाद में सिक्स वाला देखते हैं, ए ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच में ओ आ गया, ए। तो ओ है ये वोवल है, और वोवल से पहले अपने को ऑलवेज एन यूज करते हैं, यहाँ पे ए लिखा है इसलिए ये क्रॉस। फिर देखिए नेक्स्ट सेवन में देखिए एन बस। यहाँ पे क्या है? कॉन्सोनेंट। क्या है? बस का फर्स्ट लेटर बी। बी कैसा है? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट से पहले ए राइट किया जाएगा। क्या किया जाएगा? ए। तो यहाँ पे एन यूज किया है इसलिए ये क्रॉस। नेक्स्ट देखिए एट वाले में एन एरो। एन एरो, तो एरो का फर्स्ट लेटर बिगनिंग कहां से हो रहा है? ए से। और ए कैसा है? वोवल। और वोवल से पहले एन ही आता है, तो यहाँ ये करेक्ट। नेक्स्ट नाइन में देखिए ए बाइसिकल। फर्स्ट लेटर क्या है बाइसिकल का? बी। तो बी कैसा है? कॉन्सोनेंट। और कॉन्सोनेंट से पहले ए ही आएगा, तो ये करेक्ट है। टेन वाला देखते हैं एन जार। तो जार का फर्स्ट लेटर जे है, तो ये कैसा है? कॉन्सोनेंट। और कॉन्सोनेंट से पहले एन नहीं आता है, कॉन्सोनेंट से पहले क्या आएगा? ए आएगा। तो एन है इसलिए ये क्या हो गया? रॉन्ग। एन, एन की जगह क्या आना चाहिए था? ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने है, राइट द वर्ड फॉर द गिवन पिक्चर्स एंड आल्सो पुट ए और एन बिफोर देम। तो ये कुछ वर्ड्स पिक्चर्स दी हुई है, उनके मीनिंग है मैंने राइट कर दिए हैं, जैसे एंट, पेन, बर्ड, एरोप्लेन, इंकपॉट, ड्रम, मंकी, जग, एलिफेंट, बगेट। ठीक है, तो बगेट, तो इन वर्ड्स मीनिंग में अपने को क्या प्लेस करना है? ए और एन। जैसा कि अपन ने पहले पढ़ा है, ए तो कब यूज करना है? जब कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा हो। और एन कब करना है? जब वोवल से स्टार्ट हो रहा हो। तो फर्स्ट वाला डिस्कस करते हैं, फर्स्ट एंट। एंट है ना, एंट का फर्स्ट लेटर क्या है? वोवल। तो वोवल से पहले ऑलवेज एन आएगा। क्या आएगा? एन। ऐसे देखिए नेक्स्ट वाला पेन, कॉन्सोनेंट देन ए। क्या हो गया? ए। चलो सारे में कैपिटल ही लिख देते हैं, इसमें ए कैपिटल ही राइट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाला बर्ड। बर्ड भी कैसा? फर्स्ट लेटर बी है, कॉन्सोनेंट देन ए आएगा। क्या आएगा? ए। बी कॉन्सोनेंट है ना इसलिए ए। नेक्स्ट वाला एरोप्लेन। एरोप्लेन का फर्स्ट लेटर क्या है? ए। तो ए कैसा हो गया? वोवल। तो वोवल के लिए अपने को क्या राइट करना है? एन करना है। क्या करना है? एन राइट करना है। समझ में आ गया यहां तक? समझ रहे हैं आप? तो ए, ए ई आई ओ यू, जब भी वोवल से स्टार्ट हो रहा वर्ड तो अपने को एन यूज करना है, अदरवाइज ए। ऐसे देखो इंक पॉट। इंक पॉट में फर्स्ट लेटर वोवल ही है ना, आई। तो आई से पहले एन। ठीक है, ऐसे ड्रम में डी आ रहा है, तो डी कॉन्सोनेंट इसलिए ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ए। ऐसे मंकी। मंकी में फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट देन ए। ऐसे ही जग में, एट वाले में जग है, जग का जे, तो जे भी क्या है? कॉन्सोनेंट, तो सिंपल ए आ जाएगा। यहां नाइन में देखते हैं एलिफेंट। नाइन में क्या है? एलिफेंट। तो एलिफेंट में स्टार्ट कहां से हो रहा है? ई से। और ई क्या है? वोवल, इसलिए यहाँ पे अपने को एन राइट करना है। क्या करना है? एन, ए एन एन, एन एलिफेंट। ऐसे लास्ट वन है टेन, तो बास्केट है ना, तो ये बास्केट है, तो इसको अपन बी से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे ए राइट कर सकते हैं।
चलो अभी तक अपन ने यूज पढ़ लिया है एन और ए का यूज कैसे करना है। तो यहाँ देखिए बाद में क्वेश्चन नंबर सी है, उसको उसमें क्या करना है, यहाँ पे कुछ ब्लैंक स्पेस दे रखे हैं, आपके ब्लैंक दे रखे हैं ना, वहाँ पे आपको ए और एन आपको फिलअप करना है जैसा अपन ने ऊपर किया है। जिन वर्ड्स मीनिंग में वॉवल आ रहा है वहाँ पे आपको एन राइट करना है, और जिन वर्ड मीनिंग से पहले ए कॉन्सनेंट आ रहा है तो वहाँ पे अपने को ए राइट करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं दो फिलअप करके बता देता हूँ आपको, बाकी आपको सेल्फ घर पे इसको फिलअप करना है। जैसे पिकनिक आ रहा है ना, इसमें द गुप्ता फैमिली इज गोइंग ऑन पिकनिक, पिकनिक में क्या है फर्स्ट लेटर पी, तो पी क्या है कॉन्सोनेंट, तो यहाँ आपको क्या लिखना है ए राइट करना है सिंपल। ऐसे ही पिकनिक टू पार्क, पार्क क्या है पी फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट, तो पिकनिक टू ए पार्क, समझ में आया। ऐसे जितने भी ब्लैंकेज है आपको ए और एन इसमें फिलअप करना है। ओके बच्चों, थैंक यू, नाइस टू मीट यू, VVM स्कूल के साथ बने रहे हैं। जिन बच्चों ने अभी तक बुक्स परचेज नहीं की है वो बुक्स लीजिएगा, और अपना वर्क है वो एवरीडे प्रॉपर कंप्लीट करके असाइनमेंट को अपने एप्लीकेशन पे सबमिट करते रहिए। VVM स्कूल के साथ बने रहने के लिए थैंक यू।